हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एल्ब्स गुडनेस की मुल्तानी मिट्टी पाउडर का रिव्यू एंड डेमो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप देख सकते हो ये एक पेपर की पैकेजिंग में आता है। इस अब बात करते हैं मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल है, किस स्किन टाइप को ये सूट करेगी। सो गाइस, अब देख लेते हैं एल्ब्स गुडनेस हमें क्या क्या क्लेम करता है। पहले बात करें तो ये बहुत ही नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करती है और साथ ही हमारे एक्ने को कंट्रोल करती है, सेबम प्रोडक्शन को कम करती है और स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट और सफल बनाती है। एल्ब्स गुडनेस ये क्लेम करता है कि ये 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री है। उसके बाद भी इन्होंने मेंशन किया है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट भी कभी कभी किसी को सूट नहीं करते हैं, तो आप इसका पैच टेस्ट ज़रूर लें एक बार, तो आप उसके बाद ही आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें। अगर स्किन टाइप की बात करें तो ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। अब प्राइस की बात करें तो इसका MRP है ₹110 और मुझे ये पर्पल पे ₹99 में मिली है। इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो ये 2 साल की शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है गाइस, क्योंकि 2 साल तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। और अगर नेट वेट की बात करें तो 150 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिलती है। तो गाइस, ओपन करने के बाद इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, जो कि हमें स्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी। अब हम इस मुल्तानी मिट्टी पाउडर का एक मास्क प्रिपेयर करेंगे जो हमारी स्किन को बेनिफिट्स देगा। मुल्तानी मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। उसके बाद हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे जिससे हमारी स्किन और ज़्यादा निखर कर आएगी। सो सबसे पहले हम एक बोल में 1 से 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे। अब मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच कर्ड ऐड करूँगी। इसके बाद हम यहाँ पर आमंड ऑयल ऐड कर देंगे 3 से 4 ड्रॉप। सो गाइस, आमंड ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करता है और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ग्लिसरीन। ये स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही सफल बनाती है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। जितना भी आपको नीड लगे आप उतना पानी ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास इसकी जगह पर रोज़ वाटर हो तो आप उसे ही ऐड करिएगा। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है, नरिश करता है और साथ ही हमारे पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने का काम करता है। यहाँ हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लंप ना रहे और बहुत ही क्रीमी पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। अब हम इसे पूरे फेस पर एक थिन लेयर में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक थिक लेयर के लिए सेकंड कोट भी अप्लाई कर रही हूँ। पूरे नेक एरिया तक इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब हम 15 से 20 मिनट के लिए वेट करेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ है। हमें पूरा प्रॉपर ड्राई नहीं करना है, इससे हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राई फील होगा। इसीलिए आप इसे 50% ही सुखाएं, उसके बाद फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। तो अब आप देख सकते हो हमारी स्किन में कितना नेचुरल ग्लो दिख रहा है और मेरी स्किन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील कर रही है। तो आप इसे हफ्ते में 2 बार अप्लाई करें फॉर द बेस्ट रिजल्ट। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।